नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेफड़े या लंग्स के संक्रमण या इन्फेक्शन के बारे में, जिसे निमोनिया कहते हैं। हम जानेंगे निमोनिया के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसे कैसे डायग्नोसिस किया जाता है और निमोनिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसके साथ हम विस्तार से जानेंगे निमोनिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक नई लेटेस्ट जीवन रक्षक तकनीक, जिसे ECMO कहा जाता है। ECMO तकनीक से निमोनिया व अन्य मरीज जिनके किसी बीमारी के कारण दिल या फेफड़ों में परेशानी आ गई है, उनकी जान बचाई जा सकती है। ECMO पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राम शरण चतुर्वेदी, जो कि इस ECMO तकनीक के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राम जयपुर में कार्यरत हैं। ECMO तकनीक का डॉक्टर राम को 6 साल से ज़्यादा का अनुभव है और डॉक्टर राम पूरे देश में ECMO की सेवाएं देने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर राम के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर राम शरण चतुर्वेदी, सीनियर कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड ECMO स्पेशलिस्ट, जयपुर में कार्यरत हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं निमोनिया क्या होता है। निमोनिया लंग्स या फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण फेफड़ों में जो छोटे छोटे एयर सैक या एल्वोलाई होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। ये एयर सैक और एल्वोलाई वो हिस्से होते हैं जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। निमोनिया के संक्रमण से फेफड़ों में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, जिसकी वजह से उन जो भी मरीज होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, पर्याप्त ऑक्सीजन उनके शरीर में नहीं पहुँच पाती है। निमोनिया के अन्य लक्षणों में मरीज को खांसी आती है, खांसी के साथ साथ उनको बलगम भी आता है। बलगम का रंग जो है वो पीला हरा हो सकता है, साथ में उसमें खून की मात्रा भी आ सकती है। मरीज़ को तेज बुखार भी आ सकता है, कपकपी लग सकती है, कपकपी के साथ उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सांस की दर बढ़ सकती है। कई बार मरीज़ को छाती में दर्द हो सकता है, चुभन जैसी शिकायत हो सकती है, भूख कम लग सकती है। ये सारे लक्षण निमोनिया के कारण ही होते हैं। दोस्तों, निमोनिया के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक और निमोनिया कारण है जिसे हम एस्पिरेशन निमोनाइटिस बोलते हैं। एस्पिरेशन निमोनाइटिस का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो फेफड़ों में चली जाना। संभवतः ऐसी जो निमोनिया होने की संभावना है वो बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है, या फिर ऐसे मरीज जो कि अस्पताल गंभीर अवस्था में आते हैं उनमें ये एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो सकता है। दोस्तों, हाल में ही सारे विश्व में एक बीमारी जिसको COVID-19 बीमारी का नाम दिया गया है, बहुत ही जानलेवा साबित हुई। दोस्तों, ये बीमारी ये पैंडेमिक के तौर पे फैली है, जिसके लिए हम वैक्सीनेशन और ये सारे कैंपेन चला रहे हैं और हम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग से रोक रहे हैं। इसके अलावा हम जो कर सकते हैं वो है लोगों को अवेयर करना। अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम बहुत सारे अपने यूट्यूब के वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। एक COVID-19 इन्फेक्शन जो हुआ था, जिससे फेफड़ों में निमोनिया ही हुआ है मेन करंटली, उसकी वजह से हमें कई मशीनों का उपयोग हुआ है, जैसे कि मुख्यतः बाईपैप वेंटिलेटर और ECMO मशीन। ECMO मशीन ने भी संभवतः काफ़ी लोगों की जान बचाई है। निमोनिया का पता लगाना, उसकी गंभीरता को हमें जांचने के लिए कुछ जांचें करनी होती हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, चेस्ट एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया। इसके अलावा कुछ एडवांस जांचें हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बोलते हैं, जिसमें कि CRP हो जाता है, प्रोकैल्सिटोनिन है, IL-6 है, इंटरल्यूकिन-6 बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जांचें हैं जिनको करते हैं, और अन्य जो हमारे शरीर के अंग हैं जैसे किडनी है, लिवर है, उनकी जांचों को भी पता कर लेते हैं कि उस निमोनिया के असर से, उसके इन्फेक्शन से बाकी शरीर के अंगों पर कोई असर तो नहीं हुआ है। निमोनिया के ट्रीटमेंट में मरीज़ की ज़रूरत के हिसाब से उसको हम ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं। उसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीफंगल हो गई, हमारे एंटीकोगुलेशंस हो गए, मल्टीविटामिन्स हो गए, IV फ्लूड्स और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे निमोनिया के ट्रीटमेंट में, निमोनिया के उपचार में। दोस्तों, कभी कभी ये निमोनिया हमारा है जो भीषण रूप ले लेता है, जिसको हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या शॉर्ट में ARDS भी बोलते हैं। दोस्तों, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ऑक्सीजन की कमी जो है शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगती है। कई बार ये शरीर के सारे अंगों को ऑक्सीजन की कमी से ख़राब कर देता है, जिसको हम मल्टी ऑर्गन डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। ऑक्सीजन की शरीर में कमी को पूरा करने के लिए हम कई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बाईपैप हुआ,
कभी कभी मरीज बाईपैप पे भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके बाद हम मरीज को वेंटिलेटर पे लेते हैं। इस COVID-19 सिचुएशन में और ऐसे कई घातक निमोनिया होते हैं जो वेंटिलेटर पे भी शरीर की ऑक्सीजन क्षमता को पूरा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमारे पास जीवन रक्षक तकनीक जिसको हम ECMO सपोर्ट बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर। दोस्तों, लाइफ सपोर्ट सिस्टम ECMO दो तरीके से काम करता है। एक तो फेफड़ों को बाईपास करता है और दूसरी तकनीक में फेफड़ों और हमारे दिल दोनों को बाईपास करता है। हमारे निमोनिया में हमें केवल अपने फेफड़ों को बाईपास करने की ज़रूरत पड़ती है। मुख्यतः हम फेफड़ों को ही बाईपास करते हैं। कुछ कंडीशन में जबकि निमोनिया की वजह से शरीर के सारे अंग खराब होने लगते हैं, उनका असर हमारे दिल पर भी पड़ना पड़ सकता है। तो इस ECMO से हम दिल को भी बाईपास करते हैं और शरीर का ऑक्सीजन क्षमता के साथ साथ हम शरीर के ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखते हैं। ECMO तकनीक का हम इस्तेमाल तब करते हैं जबकि मरीज के फेफड़े बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हों और इतना डैमेज हो गए हों कि वो बाईपैप पे हो सकता है कि वेंटिलेटर पे भी मरीज अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता को पूरा ना कर पा रहा हो। ECMO तकनीक का हम इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फेफड़ों को बाईपास करके जिसको हम वीनो वीनस ECMO बोलते हैं। दूसरी तकनीक होती है हम अपने दिल को जिसे हार्ट बोलते हैं उसको बाईपास करके इसको वीनो आर्टियल ECMO बोलते हैं। जो हमारा वीनो वीनस ECMO है जो कि फेफड़ों को बाईपास करता है, ये जो पद्धति है निमोनिया में, निमोनिया किसी भी तरह का हो, बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, फंगल निमोनिया या एस्पिरेशन निमोनाइटिस वाला निमोनिया, उन्हें उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस वीनो वीनस ECMO का उपयोग उन मरीजों में कर सकते हैं जो मरीज लंग ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसे मरीजों संभवतः जो लंग ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो किसी भी कारण से उनके शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता कम हो जाती है, हम उनको ECMO पे रख सकते हैं। ECMO पे रख कर हम उनकी शरीर की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं और लंग ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के लिए उनका इंतज़ार कराते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कोई क्षति नहीं होती है, शरीर के किसी अंगों में कोई कमजोरी नहीं आती है। हम ECMO पे उनको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेयरेस्ट इंडिकेशन भी हैं इस वीनो वीनस ECMO के, जैसे कि हम एक बीमारी होती है जो जन्मजात होती है जिसको हम कंजेनाइटल डायफ्रेमिक हर्निया कहते हैं, उसमें भी उपयोग करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे जो कि जैसे हम इस बीमारी को मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसके फेफड़ों में मल चला जाता है, मल जाने की वजह से उसके फेफड़ों में एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो जाता है और उसकी सांस लेने में उसको समस्या होती है और वेंटिलेटर पे भी अपनी ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन में भी हम ECMO का उपयोग कर सकते हैं। ECMO की दूसरी जो पद्धति है जिसे हम वीनो आर्टेरियल ECMO बोलते हैं, उसका उपयोग हम हार्ट अटैक के मरीजों में कर सकते हैं। इस पद्धति का उपयोग हम उन मरीजों में कर सकते हैं ब्रिज टू हार्ट ट्रांसप्लांट बोलते हैं, और इस पद्धति का उपयोग हम मायोकार्डाइटिस में कर सकते हैं, और दिल की कई और बीमारी हैं जिनमें हम इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एल्बेड आरबेड वो मशीनें होती हैं, उन मरीजों में हम इन मशीनों का प्रयोग करते हैं जिन मरीजों में पंपिंग क्षमता किसी भी कारण से, या तो दिल के दौरे की वजह के कारण से कम हो जाती है या कई और कारण होते हैं जिसको हम स्ट्रेस इंड्यूस मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, उनमें इन मशीनों का उपयोग करते हैं। इस पद्धति का उपयोग हम इसके अलावा उन मरीजों में कर सकते हैं जिनमें बहुत गंभीर इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फेक्शन की वजह से वो सेप्टिक शॉक में चले गए, उनमें भी हम वीनो आर्टेरियल ECMO का उपयोग कर सकते हैं जो कि हमारे हार्ट और फेफड़ों दोनों को सपोर्ट करेगा। कुछ और अन्य इंडिकेशन हैं इस मशीन के वीनो आर्टेरियल के जो कि कॉमनली यूज़ हो सकते हैं और उन मरीजों में जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं, जैसे कि पॉइजनिंग, और पॉइजनिंग में मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग है सल्फास पॉइजनिंग में जीवन रक्षक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीनो वीनस ECMO की जो हम निमोनिया के मरीजों उपयोग करते हैं। वीनो वीनस ECMO में हम फेफड़ों को बाईपास करते हैं। वीनो वीनस ECMO फेफड़ों की बीमारी को, निमोनिया को ठीक नहीं करता है, दो काम ये करता है। एक काम तो ये शरीर की ऑक्सीजन की क्षमता जो कम हुई है निमोनिया की वजह से उसको पूरा करता है, दूसरा हमारे फेफड़ों को रेस्ट देता है जिससे वो हील हो सकें, हील होके वो ठीक हो सकें। वीनो
इनोवीनस एक्मो में हम फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसे कैनुला कहते हैं, दो कैनुला का उपयोग करते हैं। ये लार्ज बोर कैनुला होती हैं। ये कैनुला हमारे राइट एट्रियम से खून लेती हैं। खून मशीन में आता है, मशीन से ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं हम और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ये और इस मशीन से दोबारा हम उसी छोटे चैम्बर में राइट एट्रियम में खून को डालते हैं। जो खून हमारा शुद्ध होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाता है दिल के रास्ते के होते हुए और फिर अपने शरीर में जाता है, शरीर में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। हम जब मरीज को वीनोवीनस एक्मो पर रखते हैं दोस्तों, तो हम फेफड़ों को केवल रेस्टिंग सेटिंग पर रखते हैं। रेस्टिंग मतलब मिनिमम प्रेशर सेटिंग पर, जिससे कि हमारे फेफड़ों को हील हो सकें, उन्हें रेस्ट मिल सके। रेस्ट के साथ ही वो हील होते हैं और ठीक होते हैं। दोस्तों वीनोवीनस एक्मो पर हम मरीज को काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। मरीज का उस दौरान हम इन्फेक्शन का ध्यान रखते हैं कि मरीज को किसी भी कारणवश इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास पूरी ट्रेन टीम होनी चाहिए, एक्मो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक्मो डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए, एक्मो फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए। ये सब ध्यान रख के ही हम उस प्रक्रिया को चला सकते हैं। दोस्तों हम वीनोवीनस एक्मो के मरीजों को संभवतः कम सेडेशन देते हैं, कभी कभी हमें पूरी बेहोशी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इस मशीन के साथ हम मरीजों का न्यूट्रिशन का ध्यान भी रखते हैं, उनकी फिजियोथेरेपी भी कराते हैं। दोस्तों एक्मो तकनीक ये बहुत ही एडवांस तकनीक है, ये जीवन रक्षक तकनीक है। ये उन मरीजों में उपयोग करती है जो कि मरीज उस अवस्था में जा चुके होते हैं जब जान बचने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, तब इस मशीन का उपयोग करते हैं। ये मशीन बहुत ही अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ ही करना चाहिए, बहुत ही अनुभवी नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए, बहुत ही अनुभवी हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए और अनुभवी हमारे एक्मो टेक्नीशियन जिसे हम परफ्यूजनिस्ट बोलते हैं वो हमारे पास होने चाहिए। इस मशीन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि ये जो मशीन है इसे अनुभवी लोग ही चलाएं तो अच्छा है। और दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे सल्फास पॉइजनिंग में एक्मो एक जीवन रक्षक प्रणाली की तरह कैसे काम करता है। दोस्तों मैं डॉक्टर रामशरण चतुर्वेदी, कंसल्टेंट कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड एक्मो स्पेशलिस्ट, और अधिक एक्मो की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थे डॉक्टर राम, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से निमोनिया के मरीजों में एक्मो तकनीक का इस्तेमाल उनकी जान बचाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर राम से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.didoc.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया आप हमारा YouTube चैनल डाइडॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।